अभी कहाँ दावा करेंगे, अभी तो पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी, उस बैठक में संसदीय दल के वो पार्लियामेंट्री एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, तभी दावा होगी, उसकी प्रक्रिया है। अभी तो कहाँ राष्ट्रपति, जब संसदीय दल की बैठक होगी तब ना। सर, इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोशलिस्ट हैं आप लोग, आना चाहिए। सोशलिस्ट इंडिया, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों के समर्थन की जरूरत पड़ रही है। 7 जून को एनडीए के सांसद ऑफिशियली मोदी को अपना नेता चुनेंगे और फिर गठबंधन के नेता भारत के राष्ट्रपति से मिलकर अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। नीतीश कुमार, जिनकी जदयू ने बिहार में 12 लोकसभा सीटें जीती है, उन्होंने कथित तौर पर मोदी से कहा कि सरकार बनाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इंडिया टुडे के सूत्रों की माने तो उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने अपेरेंटली नरेंद्र मोदी को कहा है हमें इसे जल्द से जल्द करना चाहिए। मैं इतना ही मानता हूँ, मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, अब यहाँ वहाँ से जमा करके वो बहुमत जुटाना चाहते हैं, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। इस प्रकार की सरकार चलाना ये मोदी जी का काम नहीं है। मोदी तो अपने रुबाब में रहते थे ना, मैं मोदी, मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, सब कुछ मोदी, अब ये पैसा के लेकर चलना पड़ेगा। बैठक नॉर्मल ही थी, एनडीए सदस्यों ने मोदी के नेतृत्व की सराहना की। एक सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को बताया कि मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि क्योंकि चुनाव लंबा था और 7 चरणों में बटा हुआ था, इसलिए सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने गठबंधन के बारे में क्या कहा सुनिए। A mandate in defense of the constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. बैठक से जुड़े अन्य व्यक्तियों ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को बताया बीजेपी के एजेंडे में कुछ मुद्दे हैं जिनसे कुछ सदस्य असहमत हो सकते हैं, जिन पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता होगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के लिए सहयोगियों की मदद की जरूरत पड़ रही है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में केवल 240 सीटें जीती, सामान्य बहुमत से 32 सीटें कम। उनके बीच 28 सीटों के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर एनडीए को 293 सीटें। एग्जिट पोल के नतीजों को झुटलाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीती। सीटों की संख्या में कम अंतर ने इंडिया ब्लॉक को काफी उत्साहित कर दिया है, जिससे अब केंद्र में सरकार बनने के लिए एनडीए सहयोगियों को महत्व मिल रहा है। खैर, इस खबर में बस इतना ही, बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।